चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, हमने पहले डेरिवेटिव का प्रोसेस कर लिया है कि डेरिवेटिव क्या होता है बेसिकली, और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव हमने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, मान लो डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना है, तो इस इक्वल टू किसके बराबर, वन, एक्स का डेरिवेटिव वन होगा ना, इस तरह से हमने पढ़ा था। उसके बाद डेरिवेटिव निकाला था डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो टू का निकालना मेरे को, तो एक टू इज ए कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव निकालना मतलब आंसर कितना आता, जीरो होता है ना। तो कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, जब तक वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल के बिना हम डेरिवेटिव को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं बेसिक। ठीक है, तो अभी हमने हेडिंग लगाई है किसकी, इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूर ट्वेल्थ सिलेबस, और ये आपका सातवां चैप्टर है। तो आज हम कुछ इसकी कॉन्सेप्ट को, उसकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो चीज़ें, और आपकी जो एक्सरसाइज है 7.1 उसको हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, 7.1 को तो आप देखते रहिए, आप एक्सरसाइज के सारे सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो पहली बात ये है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। सबसे बड़ी बात तो ये है, इंटीग्रेशन का जो साइज होता है वो ऐसा होता है कुछ, अगर मैं बोलता हूँ ना एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश, सिर्फ मैं एफ डैश ऑफ एक्स लिखता हूँ, इसका मतलब क्या था कि एक्स का डेरिवेटिव करना। अगर मैं इसके बाहर इंटीग्रेशन लगा दूंगा ना, तो डैश कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी। देखो प्लस सी क्यों आता है, सी इज द कॉन्स्टेंट, सी इज द कॉन्स्टेंट। एक आपने वर्ड सुना होगा अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होता है कुछ, है ना, अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। व्हाट इज अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, जिस कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है वो एक अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कहलाता है। अगर मैं सीधा ही दो लिख दूं, मान लो मैंने दो लिख दिया, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ना, ये तो दो ही रखा रहेगा, दिस इज नॉट ए अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट क्या होता है, जब हम कहीं पर ए बी सी, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, कुछ इस तरह से, देखो इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी, तो इनको क्या बोला जाता है, अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बोला जाता है। तो यही चीज आगे हम जाके डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में सारा खेल किसका होता है, अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का होता है, हाउ टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन विद अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ओके, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन या किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जितने अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं उतनी ही हमारे पास क्या होता है, उसका ऑर्डर कहलाता है, है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो इंटीग्रेशन इसलिए, अब मैं बात कर रहा था कि सी की, सी मतलब अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, ये क्यों लगता है, ये इसलिए लगता है कि अगर कुछ भी वैल्यू रही होगी, मान लो एफ ऑफ एक्स है, कोई भी वैल्यू है, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 2x + 3 लिखा है, तो मैंने कहा इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, डी बाई डी एक्स निकालो, डेरीवेटिव निकालो, तो डेरीवेटिव अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, मतलब इसका डेरीवेटिव कितना होगा, 2 होगा, और इसका डेरीवेटिव कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरीवेटिव क्या होता है, जीरो होता है ना, वो जीरो हो जाएगा। तो ये नहीं पता हमें कि ये मेरे फंक्शन में है कि नहीं, अब ये 3 हो सकता है, ये 4, 5, 6, 7 कुछ भी ऐसा नंबर आ सकता है, तो मैं क्या कर देता हूँ, जब इसकी रिवर्स प्रोसेस लेके जाऊँगा, मान लो मेरे पास 2 आया, अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, और अभी मैंने बताया कि अगर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर देना तो एफ ऑफ एक्स आ जाता है बेसिकली। अब 2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 2x तो मिला, लेकिन मेरे पास ये जो सी था ये नहीं मिला, और यहाँ पे जो 3 था ये नहीं मिला, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, प्लस का सी ऐड कर देता हूँ, सी कोई कॉन्स्टेंट रहा होगा, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट रहा होगा, जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, तो दिस इज द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इन द इंटीग्रेशन। ठीक है, बट ये जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ना, ये सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में चलता है, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं ना, लिमिट हमारी एक फिक्स हो जाती है कि 1 से 10 तक, 2 से 3 तक, तो ये सारी लिमिट जब आ जाती है तो सभी लिमिटों के बिहाब पे फिर हम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट को नहीं लिखते, क्योंकि हमें एक फिक्स क्राइटेरिया पता लग गया। ठीक है, ओके, डन। चलो, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब अगर ये इंटीग्रेशन है तो हम 7.1 की बात करेंगे, तो पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर डी बाई डी एक्स लिखता हूँ मैं किसका, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का, तो वो होता है n x की पावर में n माइनस 1, वो इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो दोबारा से मुझे क्या मिल जाएगा, x की पावर में n मिल जाएगा।
अब मैंने इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स की पावर एन का, तो वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे, डेरिवेटिव की मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि एक एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है आपके 7.1 के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन हो गया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी, प्लस सी सबके साथ लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा क्या, कोस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स क्या होगा, ये माइनस कोस एक्स होता है, ये हो जाएगा कितना, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का सी सबके साथ चलता रहेगा। इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ए कहलाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन चलता जाएगा बेसिकली, है ना। तो इसी इंटीग्रेशन की हम क्या कर देते हैं, बात करते हैं। तो अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन है और उनके बारे में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते जाएंगे। बस इंटीग्रेशन का काम इतना ही है कि आप इसको जब सॉल्व करते हैं, कुछ इंटीग्रेशन है मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, तो उस इंटीग्रेशन के बिहाव पे हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करने वाले, ठीक है। साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया इंटीग्रेशन, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, टेन एक्स होता है, टेन एक्स प्लस में सी होगा। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन ना लॉग में जाता है बेसिकली, अब ये नहीं पता, बाद में बताऊंगा मैं आपको, डिस्कस करूंगा कि टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग में कैसे जाता है, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखे, कोसिकेंट एक्स, है ना, कोसिकेंट एक्स को छोड़ के अभी सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कभी भी, तो लॉग एक्स के इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है जिसको हम यू डॉट वी प्रोसेस बोलते हैं बेसिकली, है ना, यू डॉट वी प्रोसेस। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, लॉग एक्स बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो किसके बराबर होता है, वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो ये चीज़ होगी, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ना वो सीधा साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है अभी, उसकी प्रोसेस अलग है निकालने की, जो बाय यू डॉट वी निकलता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकलेगा, ठीक है, क्लियर ओके। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है इसके अंदर, और अगर ये बातें याद हैं तो फिर हम आगे चल सकते हैं कि चलो ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए, इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलो हम सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, तो 7.1 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है उसने बोला है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, एक आपका ये चैप्टर है और इसकी जो एक्सरसाइज है अभी जो हम कर रहे हैं वो 7.1 करने जा रहे हैं। तो पहला आप उसने लिखा है पहले पाँच क्वेश्चनों का जो आंसर आएगा वो किस तरीके से करना है। जो पहला क्वेश्चन बोला गया है वो है जी आपका साइन 2x कोस 3x, साइन 2x नंबर दो पे लिखा हुआ है कोस 3x। उसने ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ओके, इनका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ओके। नंबर तीन जो हमारे पास है वो क्या है, ई की पावर एक्स है बेसिकली, ई की पावर 3x बोला गया, तो एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस क्या है, तो किस चीज को बारे में बात करना चाह रहा है वो, ये हम सीखेंगे यहाँ पे। देखो अब देखो, आपको ये पता है कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जब मैं डेरिवेटिव करूँ तब मेरे पास सेम फंक्शन बन जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, साइन 2x की। साइन 2x की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन करना आपको किसका, साइन 2x का। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस 2x, और 2x का क्या बनेगा, जो x के साथ होता है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और प्लस में क्या करेंगे हम, सी कर देंगे, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका मुझे क्या निकालना था, एंटी डेरिवेटिव निकालना था। तो एंटी डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, एंटी डेरिवेटिव निकालो, देखो इसका इंटीग्रेशन करना अभी आपको, ओ सॉरी इसका डेरिवेटिव करना है, तो माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ, माइनस बाहर ले लिया मैंने, मैंने कहा कोस 2x बाई 2 और प्लस सी, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। अगर इसका डेरिवेटिव करके दोबारा सी ही मिल गया तो मैं कहूँगा कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन बाई एंटी डेरिवेटिव सोल्व हो चुका है। चलो करते हैं सोल्व, हाँ जी, कोस 2x का
एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, देखो माइनस का माइनस में साइन 2x, और 2x के साथ जो होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस बन गए, तो दोबारा से मुझे क्या मिल गया, साइन 2x मिल गया, जो कि मेरा स्टार्टिंग वाला पर्पज था। तो जिसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो गया, सेम आ गया, तो उसी को मैं इस बात के लिए बोलता हूँ बेसिकली, ठीक है जी। ओके चलो, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन 7.1 का, 7.2 का, 7.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। cos 3x का इंटीग्रेशन करोगे, cos 3x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो पहला स्टेप क्या होगा, cos का क्या होता है, साइन होता है बेटा, तो साइन 3x हो जाएगा डिवाइड बाय, इंटीग्रेशन तो यहाँ से हट गया, साइन 3x अपॉन में किसके बराबर आएगा, है ना, इंटीग्रेशन यहाँ से भी हट जाएगा बेसिकली, तो सिर्फ माइनस बचेगा आगे, साइन 3x बाय 3 और प्लस का c हो जाना है, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन आने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मुझे किसका डेरिवेटिव निकालना है, d बाय dx ऑफ दिस वन, साइन 3x का डेरिवेटिव बोलो से आवाज, cos 3x इंटू 3 डिवाइड बाय 3, प्लस का कितना, जीरो। तो जब आपने देखा इसका डेरिवेटिव निकाल के, तो आपका आंसर कितना आ गया, cos 3x आ गया, तो ये सेम आ गया बेसिकली। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, मतलब आप डेरिवेटिव करो, आप क्या करो, आप इसका डेरिवेटिव करो, इंटीग्रेशन करो, दोबारा से वही फंक्शन आपको मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर देखें ध्यान से हम, तो e की पावर में 3x पड़ा है, तो e की पावर में x का जो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था अभी, तो वो कितना था, e की पावर x का, e की पावर x होता है, e की पावर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं e की पावर में 3x का, तो वो होगा e की पावर में 3x अपॉन में कितना, 3, x के साथ जो भी होता है वो डिवाइड में आ जाता है, और प्लस का क्या मिल जाएगा, c। अब मुझे इसका d बाई dx निकालना है, d बाई dx ऑफ e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस का c, ऐसे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, d बाई dx ऑफ, d बाई dx तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव निकलेगा, डेरिवेटिव अगर निकलेगा तो e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x इंटू 3 डिवाइड बाई 3 और प्लस का c, क्योंकि ये तो साथ में है, 3 से 3 कट गया, और c का क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, e की पावर में 3x आ जाएगा। तो ये पहले 3 क्वेश्चन थे आपके जो 7.1 के थे, जिसको मैंने यहाँ पे करवाया, उसने बोला था कि एंटी डेरिवेटिव आपको निकालना है, और उसके बाद हम आगे बात करें। अगर इसमें फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स प्लस में बी का होल स्क्वायर, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या करें, आपने ये पढ़ा अभी, एक्स की पावर में एन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है, ये चीज चलती है, ये पूरा एक्स है, तो इसका करो ए एक्स प्लस में बी होल रेस टू पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 3, ओके, और एक्स के साथ जो भी होगा वो डिवाइड में आ जाएगा और प्लस का सी लिख दिया जाएगा, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या बना, ए एक्स प्लस बी की होल क्यूब डिवाइड बाय 3 और प्लस सी हो गया, ये बात तो सही है, ओके। उसके बाद अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ए एक्स प्लस में बी डिवाइड बाय 3 पावर 3 और प्लस का सी, ये करना है मेरे को, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कोई बताएगा, इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ये 3 आगे आएगा, 3 आगे आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी होल रेस टू पावर 2 रह जाना है ना, और ये x के साथ जो भी होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना है 3a, और c का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, 3a से क्या हो गया, 3a कैंसिल हो गया, तो जो क्या बचा ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, देखो प्रूव कर दिया हमने, ये इसका एंटी डेरिवेटिव बेसिकली। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 के ऊपर, तो 5 क्वेश्चन में साइन 2x माइनस में, पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन 2x माइनस में 4 e की पावर 3x, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन होगा, 4 e की पावर 3x एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से। चलो भाई देखिए साइन 2x का, अब इसका इंटीग्रेशन करना है पहले तुमने, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहले तो इनको अलग अलग कर लो भाई, 4 e की पावर में 3x इस तरह से, 4 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया बेसिकली। साइन 2x का बताओ क्या होता है इंटीग्रेशन, वो होता है जी माइनस का कोस
टू एक्स और अपॉन में टू आ जाएगा। माइनस का फोर ऐसे कैसा, ए की पावर थ्री एक्स का, ए की पावर थ्री एक्स होगा और डिवाइड में थ्री आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या बच गई मेरी, डेरिवेटिव प्लस में सी, ये मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इनका डेरिवेटिव करना है दोबारा से, किसका, इसका पूरे का डेरिवेटिव, इसका पूरे का डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो बताओ कोस टू एक्स का क्या होता है, बताओ डेरिवेटिव, माइनस का माइनस बाहर पड़ा है, माइनस का साइन टू एक्स हो जाएगा और इन टू में टू आ जाएगा, डिवाइड बाई टू, तो ये कट गया, कटा क्या नहीं, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना बन गया साइन टू एक्स माइनस फोर, ए की पावर थ्री एक्स का डेरिवेटिव, ए की पावर थ्री एक्स और डॉट में थ्री डिवाइड बाई थ्री, ये भी कट गया। सी का डेरिवेटिव कितना होता है जीरो, तो ये भी कट गया जी। तो बचा क्या बच्चे, साइन टू एक्स माइनस का फोर ए की पावर थ्री एक्स। तो दोबारा से सेम फंक्शन हमारे पास बन गया, जब मैंने उसका इंटीग्रेशन कर दिया और इंटीग्रेशन करने के बाद दोबारा से मैंने उसका डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव जब दोबारा से ओके वही फंक्शन बन जाता है तो उसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमने पांच क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए इसके ऊपर कि आपके पहले पांच क्वेश्चन कैसे होंगे और आपको अप्रोच क्या रखनी है, आपको इसी तरह की अप्रोच रखनी है। सबसे पहले आप लोगों को ना ये चीज़ें याद कर लेनी है, एक्स की पावर एन का क्या होता है, साइन कोस टेन का, कुछ और बातें हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करवाऊंगा। और अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं 7.1 के, आज हमने 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो ये आपके एंटी डेरिवेटिव के पांच क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसके बाद जो आएंगे ना 6 से लेके टोटल शायद 14-16 आपके क्वेश्चन है, तो 6 से आपका इंटीग्रेशन होगा, उसमें एंटी डेरिवेटिव नहीं निकालना है आपको, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है उसका। ठीक है, 6, 7, 8 और एक मैं कर भी देता हूँ, 6 क्वेश्चन कर लेते हैं हम पहले से, फिर हम आगे बढ़ेंगे 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x + 1 इसका dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको कोई एंटी डेरिवेटिव करने की जरूरत आपको नहीं है, बेसिकली आप इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। चले करें, देखो भी क्या होगा, सिंपल अभी ये हमने किया, इंटीग्रेशन करेंगे पहले, सबसे पहला काम क्या हमारा 4e की पावर 3x + 1 इसका इंटीग्रेशन, तो ये भी dx और ये भी, तो सबसे पहला काम है इनको अलग अलग करना। अलग अलग करने के बाद अब 4 आ जाएगा बाहर, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, e की पावर 3x dx + 1 भी कॉन्स्टेंट ही है, तो dx हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, ये बात आपको याद रखनी है, जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है वो आएगा मिस। हाँ जी, 4 आ गया बाहर, e की पावर 3x / 3 ओके, प्लस c, प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने बताया x, और प्लस का c, ये c1 c2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, दोनों कॉन्स्टेंट को ऐड करोगे तो एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा लास्ट में। तो क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा ना आपको, जो बुकलेट में मिलेगा आपको, वो आंसर आपका जो मिलेगा ओके, एक्स हो गया प्लस का सी, तो ये आपको आंसर मिलेगा फाइनल, मतलब बेसिकली बस। अब आपको एंटी डेरिवेटिव वाला केस नहीं करना, वो पहले पांच क्वेश्चनों में ही करना था, उसके बाद नहीं करना। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन था आपकी, किसका, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारी, 7.1, तो 7.1 का ये आपका 6 क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, टोटल 22 क्वेश्चन हैं, तो 6 हमारे हो चुके हैं अभी, 14-15 हमारे टोटल बचे, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इन दो वीडियो में एक एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। कोशिश यही करेंगे कि हर दो वीडियो के अंदर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए, जिससे आप बार बार इन चीज़ों को देख सकें। ठीक है, ओके, चलो 7.1 के बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।